हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ, वो रेसिपी है हमारे गाजर के हलवे की। जी फ्रेंड्स, घर में आप कैसे गाजर का हलवा बनाएं, ये आज मैं आपको वो आसान रेसिपी बताऊंगी। ये हलवाई जैसा हलवा नहीं है फ्रेंड्स, घर पे जो देसी स्टाइल हलवा बनता है, मैं वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी आप पूरी प्लीज़ देखिएगा, और मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उसके लिए वीडियो बिना स्किप किए आपको पूरी देखनी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको एक कढ़ाई लेनी है, उसको हीट कर लेना है। कढ़ाई के हीट हो जाने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई छोटी इलायची, चुटकी भर केसर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं अपनी गाजर। यहाँ हमने फ्रेंड्स हाफ केजी के अराउंड गाजर ली हुई होगी, और हम गाजर को सबसे पहले पकाएंगे अपने दूध के साथ। तो अब हम ऐड कर देते हैं अपना हाफ लीटर ऑफ मिल्क। गाजर की क्वांटिटी के हिसाब से ही हमको अपना मिल्क ऐड करना है, और हमें अपनी गाजर जो है वो दूध के साथ ही भूननी है पहले, जब तक कि दूध हमारा जो है थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में खोया कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब हम अपनी गाजर को अच्छे से स्टर करके अपने मिल्क के साथ भूनेंगे, और जो हमने इसमें केसर और इलायची ऐड करी हुई है वो अपनी बहुत ज़बरदस्त सी अरोमा हमारी गाजर में रिलीज़ करेगी, इसलिए हम इसको भूनने के टाइम ऐड कर रहे थे। तो अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा स्टर। सी फ्रेंड्स, और हम इसको फ्रेंड्स अभी तेज़ फ्लेम पे ही कुक कर रहे हैं। जब इसमें अच्छे से बॉईल आने लगेगा, ये पकने लगेगी, तब हम फ्लेम एडजस्ट करेंगे ताकि ये जले ना। तो इसको पकने में फ्रेंड्स लगेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि हमारा जो दूध है वो अभी अच्छे से पकेगा पहले। तो हम इसको लगा के रख देते हैं लिड थोड़ी देर के लिए। सी फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो बॉईल है वो आने लग गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और हमारी जो गाजर है वो हमारे मिल्क के साथ अच्छे से गल जाएगी, टेंडर हो जाएगी, इसलिए हम इसको और अच्छे से भून रहे हैं। और हमारा जो दूध है, आप देख सकते हैं, मिल्क हमारा अब जलना शुरू हो गया है। अभी जब तक ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाता है, थोड़ा खोया कंसिस्टेंसी का, हम इसको भूनते रहेंगे। आपको बीच बीच में लिड हटा के इसको स्टर करते रहना है और चेक करते रहना है, और फ्लेम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहिएगा। सी फ्रेंड्स, हमारी जो इसमें मिल्क की क्वांटिटी थी वो अब अच्छे से भुन गई है, आप देख सकते हैं। हमारी जो गाजर है वो प्रॉपरली दूध के साथ पूरी भुन गई है, और हमारी दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है, हमारा दूध भी जल गया है प्रॉपरली। अभी हमारी जो गाजर है ये बस भुनने ही वाली है, बस थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ड्यूरेशन बता दूँ, ये कम से कम हम लोग को इसमें 15-20 मिनट लगे हैं इसको इस कंसिस्टेंसी का लाने में। तो अब मैं इसके बाद आपको आगे के स्टेप्स बताती हूँ फ्रेंड्स, ये बस हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, वो तो थी हमारी गाजर की कहानी, अब हम आगे का शुरू करते हैं हलवे का प्रोसेस। उसके लिए आपको एक पैन लेना है, उसमें कम से कम आपको 2 टेबल स्पून के अराउंड घी लेना है, तो देखिए, और घी को अच्छे से मेल्ट इन करके हीट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स, अब ये थोड़ा सा मेल्ट इन हो जाए इसमें। सो फ्रेंड्स, हमारा घी जो है वो मेल्ट इन हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स और उनको फ्राई कर लेंगे देसी घी के साथ। इसको अच्छे से हम इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम अपना इस घी का तड़का लगा देंगे अपने गाजर के हलवे में, जो हमारी गाजर पकी हुई रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गाजर है वो अच्छे से भुन गई है दूध के साथ, आप देख सकते हैं। इसमें अब बिल्कुल भी मिल्क नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये अच्छे से भुन गई है, गल भी गई है फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स शुगर इसीलिए पहले नहीं ऐड करी थी, क्योंकि जो हमारी शुगर होती है वो हमारी गाजर का गलना रोक देती है, और पानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी इसको बना देती है, इसीलिए आपकी गाजर गल नहीं पाती है। तो हमारी गाजर जो है वो दूध के साथ अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ड्राई फ्रूट्स का तड़का, जो हमने अलग प्रिपेयर किया हुआ है। कर लेंगे इसको प्रॉपर मिक्स।
घर जैसे हलवे में फ्रेंड्स हमारे जो गाजर रहती है उसको हम दूध में ही पकाते हैं, हलवाई जैसे हलवे में हमारी गाजर जो होती है वो आपको घी में पकाते हैं वो लोग, इसलिए घर का हलवा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, कम से कम हमने यहाँ 100 ग्राम शुगर ली हुई है फ्रेंड्स हाफ के जी हलवे के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, या आप इलायची कूट के भी डाल सकते हैं इसमें, छोटी इलायची, इससे बहुत ज़बरदस्त सी अरोमा आती है। अब हम कर लेंगे इन सबको मिक्स अच्छे से। सी फ्रेंड्स हमारी अब शुगर भी इसके साथ पकने लग गई है, देखिए अच्छे से हमारा हलवा पक रहा है। अब इसको थोड़ी देर हम बस और भूनेंगे, क्योंकि हमारी जो गाजर थी वो गल चुकी थी, हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। आप इस रेसिपी से अपना गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए अब बस थोड़ी देर रह गई है फिर हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है, मैं आपको फिर सर्व करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स एट लास्ट हमको ऐड करना है इसमें चुटकी भर नमक, सिर्फ आपको पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ये देखिए, क्योंकि इसमें जो बाकी हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं उन सबके फ्लेवर्स को नमक जो है वो खोल देता है, इन्हेंस कर देता है, बाकी इसका और कोई फ़र्क नहीं आता है जायके में, बस ये बाकी चीज़ों के जायके को थोड़ा सा अच्छे से खोल देता है, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं। ज़्यादातर मीठी चीज़ों में हल्का सा चुटकी भर नमक पड़ते ही है। तो अब ये देखिए बिल्कुल हमारा हलवा तैयार है। सो सी फ्रेंड्स हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, और ये बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अरोमा है, इंशाल्लाह जायके में भी बहुत ही लाजवाब होगा। सो आप लोग भी इस रेसिपी से गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। प्लीज़ कीप लविंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।